महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मसला है, लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहती है ताकि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा में कहीं कोई कमी न रह जाए। हाल ही में पूर्णतः महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती वाली दो चौकियों का शुभारंभ कर दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा की दिशा में एक और ठोस प्रयास किया है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा सदैव दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है। महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता बनाया जा सके। इसी श्रृंखला में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त संजय अरोरा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मध्य जिला के कमला मार्केट थाने के अंतर्गत श्रद्धानंद मार्ग पर और तुगलक रोड थाने के तहत खान मार्केट में दो महिला पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक काम किया है। आज के दिन दो ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट का इनॉग्रेशन हुआ है और आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी महिलाओं का ही शो था। उससे हम लोगों ने भी प्रेरणा ली और ये डिसाइड किया कि हम दिल्ली में भी ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट को बनाएं और आज उसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस उनके पुलिस कमिश्नर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिलहाल इनमें से प्रत्येक पुलिस चौकी में पूरी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी चौकी प्रभारी और 9 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये चौकियां सभी आवश्यक उपकरणों से लैस हैं। श्रद्धानंद मार्ग पर बनी पुलिस चौकी की बात करें तो इसके बन जाने से पीड़ित महिलाएं खुलकर महिला पुलिसकर्मियों को अपनी शिकायतें बता सकेंगी, जिससे उनका निपटारा करने में आसानी होगी। उद्घाटन के दौरान उप राज्यपाल को इस चौकी के क्षेत्राधिकार और अपराध प्रोफाइल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय निवासियों से संवाद किया और वहां तैनात महिला कर्मियों को लोगों की सेवा व सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। आने वाले समय में ये कोशिश होगी कि इस तरीके की ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट को बढ़ाया जाए जो सेंसिटिव एरियाज हैं। आज जरूरत है कि जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित होती हैं, वो अपनी बात अपनी किसी महिला कर्मी से कर सके। तो इसकी वजह से ये जो खान मार्केट है, यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं और अभी जो श्रद्धारण रोड के ऊपर जो इनॉग्रेशन हुआ है, वहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं, आती हैं, तो वो अपनी बात जो है आसानी से महिला पुलिस ऑफिसर्स के साथ कर सके। खान मार्केट में बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट, दुकानें और आवास भी अच्छी खासी तादाद में है। विदेशी प्रतिनिधियों, वीवीआईपी और पर्यटकों के लिए खान मार्केट आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ महिला पुलिस चौकी की स्थापना से महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस में जो महिलाओं की भागीदारी है वो करीब 15.17% है और उसे आने वाले समय में 33% तक ले जाने की पहल की जा रही है और दिल्ली पुलिस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया ऑलरेडी कर रही है। जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, पुलिस फोर्स की जो एक पहचान होती है किसी भी सिटी के अंदर कंपैशनेट वर्क के ऊपर काम करने की, वो और बढ़ेगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस इस तरीके के कदम उठाती रहेगी जिससे कि दिल्ली की जनता को और फायदा हो। महिलाओं की तैनाती वाली इन पुलिस चौकियों की स्थापना से पुलिसिंग में लैंगिक समानता और कार्य कुशलता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये पुलिस बल में नारी शक्ति को बढ़ावा देने की दिल्ली पुलिस की प्रगतिशील सोच का प्रमाण है। यकीनन दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया ये कदम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में काफी मददगार साबित होगा। इसकी बदौलत न केवल क्षेत्र की महिलाएं अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। नशा एक गंभीर समस्या है, इसीलिए दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है ताकि राजधानी में नशे के कारोबार पर लगाम कसी जा सके। इसी के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा भारी मात्रा में
ड्रग तस्करों से जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। कैसे दिया गया इस कार्य को अंजाम, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस समाज से नशे की लत को जड़ से समाप्त करने में जुटी है। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा न केवल ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ की जाती है, बल्कि उनसे भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी जब्त किए जाते हैं। इन्हीं नशीले पदार्थों को जलाने के लिए जीटी करनाल रोड स्थित एसएसआई औद्योगिक क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निपटान समिति के सदस्य भी मौजूद थे। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्ती से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है और वह राजधानी में नशीले पदार्थों को जड़ से खत्म करने का एक प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। राजधानी में इसका कारोबार करने वालों को रोकने, पकड़ने और इन्हें सजा दिलाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रही है, जिससे विशेषकर युवा पीढ़ी को इसके चुंगल से बचने से रोका जा सके। 10,600 किलोग्राम से अधिक मात्रा में नष्ट किए गए मादक पदार्थों में गांजा, हेरोइन, चरस, कोकीन, डोडा पोस्ट और साइकोट्रोफिक शामिल थे। ये ड्रग्स दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट और जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ड्रग्स तस्करों से बरामद की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई ड्रग्स की कीमत 1600 करोड़ रुपए आंकी गई थी। राजधानी में सक्रिय ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए दिल्ली पुलिस इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर नशीले पदार्थों को जब्त कर रही है और पहली बार दिल्ली में ड्रग्स कारोबारियों की संपत्ति को कोर्ट करने की भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पीएनडीटी एक्ट के तहत प्रिंट डिटेंशन की कार्रवाई कर पुलिस सक्रिय तस्करों के गिरोहों के खिलाफ भी बहुत शानदार कार्रवाई कर रही है। ऐसे सेंसिटिव एरिया जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, जहां पर हमारे यूथ और फ्रीक्वेंट आवाजाही होती है, वहां पर नशे का कारोबार न हो सके, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा ऐसे डार्क स्पॉट्स जो नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के लिए एक जगह बन जाते हैं, उस पर भी पुलिस बहुत सख्ती से निगाह रखती है और कार्रवाई कर रही है। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने युवाओं से नशे के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की। पुलिस का मकसद राजधानी में नशे के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाना है, जिससे लोगों को, विशेषकर युवाओं को, नशे के चुंगल में फंसने से बचाया जा सके। दिल्ली पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों को नष्ट करना इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राहगीरी फाउंडेशन और एनडीएमसी के सहयोग से कनॉट प्लेस इनर सर्कल में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त शशांक जायसवाल और दिल्ली पुलिस के अन्य यूनिट के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के कर्मियों ने आत्मरक्षा तकनीकों को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। साथ ही क्राइम ब्रांच के डॉग स्क्वाड और डीएपी की 4th बटालियन की टीम ने ऑर्केस्ट्रा पर गीत संगीत की मधुर कर्ण प्रिय प्रस्तुति दी। इसके साथ ही यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करती मोबाइल वैन प्रदर्शनी और लूडो के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। छोटे बच्चे हैं, वही हमारे देश का भविष्य हैं। उनको अगर बचपन से हम बताएं, वो जैसे घर में अपने मम्मी पापा को बताएं कि नहीं पापा आप ऐसे मत चलाए कीजिए, नहीं पापा इस ये गलत है, इस तरह से तो ठीक नहीं है, रेड लाइट है, आप गाड़ी को जंप कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनका मैसेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हम लोग वी आर कैचिंग द यूथ, वी आर कैचिंग द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस कि भाई आप भी अपने लोगों को बताइए कि ये गलत है, ये सही है। इस अवसर पर साइकिलिंग, स्केटिंग, जुम्बा और योगा जैसी कुछ दिलचस्प गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, ताकि लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम लोगों ने बड़े ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ इन सभी गतिविधियों में भाग लिया।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बेहतर कार्य करने वाले पीसीआर स्टाफ के लिए पुरस्कार वितरण समारोह और पीसीआर अधिकारियों की संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस सागरप्रीत हुड्डा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। जनवरी 2024 में पीसीआर यूनिट द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 पीसीआर जोन्स को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें द्वारका जोन को स्वर्ण, दक्षिण पश्चिमी को रजत और वेस्ट जोन को कांस्य पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा हीरो ऑफ पीसीआर स्कीम के तहत 37 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विशेष पुलिस आयुक्त ने पीसीआर यूनिट के कर्मचारियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी और जल्द से जल्द उनके निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नरेला अनाज मंडी स्थित बैंक के बाहर दिन दहाड़े एक शख्स से हुई 81 लाख रुपए की डकैती की वारदात को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सुलझाने में कामयाबी मिली। इस मामले में पुलिस ने ललित, लोकेश और अजय नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरेला पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो नरेला अनाज मंडी स्थित एक बैंक में नकदी निकलवाने के लिए आया था। जब वो पैसे से भरा बैग लेकर बैंक से बाहर निकल रहा था, तब 2 युवकों ने उस पर बंदूक तान दी और उससे पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुस्तैद पुलिस फौरन आरोपियों की तलाश में जुट गई और घटना स्थल के नजदीक क्षेत्र में लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरे निकाले। छानबीन के दौरान पुलिस टीम को खुफिया सूचना हाथ लगी कि नरेला में हुई डकैती में शामिल संभावित आरोपी अपने 2 साथियों के साथ सफीहाबाद नरेला रोड स्थित जॉनी फार्म के नजदीक अपने किसी जानकार से मिलने के लिए आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम ने वहां ट्रैप लगाया और 3 आरोपियों को धर दबोचा। 1000 जो है सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए। इसमें काफ़ी मेहनत मशक्कत करके और काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। हमारे पास जो भी पुरानी इंफॉर्मेशंस थी या पुराने हमारे पास क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स थे, वो भी हम लोगों ने खंगाले और दूसरी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो पॉसिबल थी वो भी की। तो तमाम ट्रेडिशनल मेथड्स और नए मेथड्स को हम लोगों ने यूज़ करके फाइनली जीरो इन किया। हम लोगों ने अब गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया। लोकेश इसमें मास्टरमाइंड है, उसकी गाड़ी हमने रिकवर की है, गाड़ी में से 46 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और अजय और सोनू से भी 2-2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। तो टोटल 81 लाख में से हम लोगों ने 50 लाख रिकवर कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए 81 लाख रुपयों में से 50 लाख रुपए और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गैंग के कई सदस्यों को दबोचा है। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्य अवैध तरीके से नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त करने के धंधे को अंजाम देने में लगे थे। बेगमपुर पुलिस स्टेशन में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि इलाके में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय है। फौरन एक पुलिस टीम बताए गए पते पर पहुंची, जहां 2 महिलाएं एक बच्चे के साथ मौजूद थी। बच्चे के बारे में पूछताछ करने पर वो पुलिस को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पंजाब की अलग अलग जगहों पर दबिश देकर इनके अन्य साथियों को भी धर दबोचा। इंक्वायरी में सामने आया कि ये जो 2 लेडीज थी, एक इनके पास एक नवजात बेबी गर्ल थी, जो कि जिसके बारे में ये कुछ बता नहीं पा रहे थे कहाँ से लेकर आए हैं। हमने इमीडिएटली रेलिवेंट सेक्शंस में FIR रजिस्टर की और मल्टीपल टीम्स इसके लिए कंस्टिट्यूट की गई। हमारे स्ट्रेनस एफर्ट्स के बाद इस इंटरस्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को हमने बस्ट कर लिया है। इस पर हमने टोटल 8 लोगों को अभी अरेस्ट किया है, जिसमें 5 वुमेन और 3 जेंट्स हैं। आगे छानबीन कर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की धरपकड़ में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात में हुई मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात गैंगस्टर शाकिर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी शाकिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के मर्डर, डकैती, लूट समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी।
इसी बीच स्पेशल सेल को आरोपी के मेवात में होने की गुप्त सूचना हाथ लगी। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए वहां ट्रैप लगाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक बाइक और 4 जिंदा कारतूस समेत एक पिस्टल भी बरामद की है। दक्षिण पश्चिमी जिला के साइबर पुलिस थाने की टीम ने धोखाधड़ी के आरोप में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट और ऑनलाइन जॉब देने के बहाने लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाता था। साइबर पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विदेश में नौकरी देने के नाम पर उसके साथ करीब 1,70,000 की ऑनलाइन ठगी हुई है। इस आधार पर साइबर थाने की टीम ने गहनता से छानबीन करते हुए पीड़ित व्यक्ति द्वारा रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खाते से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की। इसी दौरान पुलिस ने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर का भी पता लगा लिया, जो कि मैदानगढ़ी क्षेत्र में एक्टिव था। इसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जीवाड़े में इस्तेमाल 5 स्मार्टफोन, 3 लैपटॉप, 1 पासपोर्ट, 1 पेन ड्राइव व 3 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के 3 शार्प शूटर रोहित, मोहित और सिद्धार्थ को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अलीपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा जानकारी दी गई थी कि बकोली में उसके पति पर कार सवार 4 लोगों ने फायरिंग की है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ के लिए वारदात स्थल के नजदीक क्षेत्र में तलाशी अभियान में जुट गई। इस दौरान पुलिस टीम को बख्तावरपुर के फार्म्स में कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई दी। जैसे ही पुलिस टीम ने वहां जांच शुरू की, एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान 3 अन्य युवक मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने नजदीकी इलाकों में छानबीन की और वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई 1 कार, 3 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गिरोह के 2 शार्प शूटर आमिर और दानिश को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी करोल बाग के एक व्यापारी से रंगदारी मांगने और उसके घर पर फायरिंग करने समेत कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। इस मामले की छानबीन करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर आरोपियों की लोकेशन को गड़ी मेंडू वन क्षेत्र के नजदीक ट्रेस किया। इसके बाद टीम मुस्तैदी दिखाते हुए उस लोकेशन पर पहुंची और वहां स्कूटी सवार 2 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी साहस का परिचय देते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और स्कूटी भी बरामद की है। पश्चिमी जिला पुलिस ने झपटमारी के आरोप में अविनाश और इससे स्नैचिंग के मोबाइल फोन खरीदने वाले 2 रिसीवर नवीन और अर्जुन शंकर को गिरफ्तार किया है। अविनाश पर पहले से 15 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में ये कीर्ति नगर इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने वारदात स्थल और इसके आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, जिससे आरोपी से जुड़ा कोई सुराग हाथ लग सके। साथ ही अपने गुप्तचरों को भी इसके लिए एक्टिव कर दिया। इस कड़ी मेहनत का नतीजा रहा कि पुलिस को सूचना मिली कि स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अविनाश पहाड़गंज इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर झपटमारी के मोबाइल खरीदने वाले 2 रिसीवर को भी अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 73 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। पश्चिमी जिला पुलिस ने हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में वांटेड अपराधी अरुण को जेल की हवा खिलाई। जनकपुरी पुलिस थाने की टीम को जनक सिनेमा के नजदीक पिकेट चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद उस युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने चोरी के आरोप में सत्यवेलु, शिव, कुमार और प्रभु नाम के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुंगा बहरा बनकर चंदा इकट्ठा करने के बहाने से घरों में दाखिल होते थे और चोरी कर मौके से फरार हो जाते थे।
पुलिस टीम को अलग अलग इलाकों में गश्त के दौरान खुफिया सूचना हाथ लगी कि दक्षिण जिला में हुई कई चोरी की वारदात में शामिल रहे आरोपी प्रेस एनक्लेव रोड स्थित मालवीय नगर बस स्टैंड के नजदीक चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और गुंगा बहरा बन नाटक कर रहे इन चारों को धर दबोचा। मौके पर ली गई तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 3 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद कर लिए। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस गाजियाबाद स्थित उनके घर से इसके अलावा चोरी किए गए 21 मोबाइल फोन और 9 लैपटॉप जब्त करने में भी कामयाब रही। नई दिल्ली जिला पुलिस की परिवर्तन सेल ने YWCA इंस्टीट्यूट में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुल 72 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान छात्राओं को फिटनेस, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के गुर भी सिखाए गए। भविष्य में दिल्ली पुलिस की परिवर्तन सेल अन्य शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की योजना बना रही है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताज़ातरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।